नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताजन सैनी आपका स्वागत करता हूँ राजकुमार विजय कॉलेज ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे विद्यार्थियों भारत में तुर्की आक्रमण और राजप्रतिपत्ति स्वर्ग। ये हमारा लगभग पूरा हो चुका था। भारत में इस समय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापक संस्थापक है। इसकी मृत्यु हुई था 1206 ईस्वी और 1206 ईस्वी जब ये मरता है तो कुतुबुद्दीन एक है जो भारत में मरता है विद्यार्थियों। और ये 1206 से लेकर 1210 तक भारत में शासक बना था। 1210 में इसके चौगान खेलते हुए, जैसे अपना पोलो खेलते हैं वर्तमान में घोड़ पर बैठ के, ऐसे चौगान खेलते हुए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होते हैं दिल्ली पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आराम शाह। इसको गद्दी पर बैठाते हैं आराम शाह बैठता है 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक। ये लगभग एक साल तक रहता है आराम शाह। इसका नाम ही आराम है तो इसमें विद्वान ऐसे समझते हैं कि आराम शाह कुछ तो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था और कुछ कहते हैं उसका एक भाई था, लेकिन कुछ कह रहा होगा उन तरह से आलसी गलासी था। इसलिए कुछ समय के पश्चात भी इस आराम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं और फिर अपना विद्यार्थी को 1211 ईस्वी से लेकर और 1236 ईस्वी तक इसका नाम है इल्तुतमिस जो भारतीय मित्रों का वास्तविक संस्थापक है। इतने लंबे समय तक और अपनी योग्यता से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार करता है, भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार करता है। एक तरह से कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने वाला, मजबूत करने वाला इल्तुतमिस होता है। इल्तुतमिस की ये कार्य विद्यार्थियों को कुतुबुद्दीन ऐबक विद्यार्थी कहते हैं कि बदसूरत था, बेच दिया काजी को बाद में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। ऐबक तो दास था, ऐबक किसका दास है, गोरी का दास है वो। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका है, इल्तुतमिस किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिस को अपना दास बना लिया। दास बनाने बाद में मोहम्मद गोरी पंजाब वाले क्षेत्र में लड़ रहा था। उस समय इल्तुतमिस ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मांग किया है मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इसको दासता से मुक्त कर दो, इस इल्तुतमिस को दासता से मुक्त कर दो, क्योंकि ये है एक बहुत ही अच्छा लड़ाई में बहुत ही अच्छा पराक्रम दिखाया गोरी से, खुश हो गया इसको दासता से मुक्त कर दिया गया। अब ऐबक ने जब ऐबक भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था तो कुछ यादोज है जैसे लोग हैं उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो इल्तुतमिस को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी के साथ ही इल्तुतमिस से शादी कर दी। और जब आराम शाह आराम पसंद है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनानायक है अली, उस अली ने क्या किया इस इल्तुतमिस को गद्दी के लिए आमंत्रित किया कि दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह जो अयोग्य है तो आप आओ और आप गद्दी पर बैठो, और इस तरह से इल्तुतमिस गद्दी पर आता है और दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार करता है। तो यह विद्यार्थियों 1211 ईस्वी से लेते हैं और 1236 ईस्वी तक है जो इल्तुतमिस है जो भारत की शासन व्यवस्था संभालते हैं। तो हम पढ़ेंगे इल्तुतमिस, यह है इल्तुतमिस 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। ये इल्तुतमिस है जो गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिस की प्रारंभिक समस्या, अब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, उसका सेनानायक था अली इंतजाम वो है, इसको बुलाता है एक तरह से मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख सेनापति, जैसे अपना सेनापति है मुकुल नरवणे है ना थल सेना अध्यक्ष, ऐसे सेना का प्रमुख अध्यक्ष था अली। उसने अली ने कहा कि आप आओ और गद्दी पर बैठो, ये गद्दी पर बैठ गया। लेकिन गद्दी पर बैठते हुए सामने है जो कांटों से भरा एक शेर दिखाई दिया, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा समस्याएं थी और इल्तुतमिस ने बड़ी होशियारी से बड़ी चालाकी से उन समस्याओं का सामना करता है और धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान करता है। तो विद्यार्थियों सबसे पहला आदेश यह है तुर्क अमीरों का प्रतिरोध
क्यों? चतुर्थ अमीर है। इस दास था और जो यहाँ पर गया तुर्क अमीरों का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध करने के बाद युद्ध में इसको नहीं बैठने देंगे। क्यों? क्योंकि विशुद्ध अमीर के विद्यार्थी हो। विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब है ये जन्मजात थे, इनको दास ही बनाया गया था। और इन्होंने कहा एक दास आदमी आकर हम पर राज करेगा। ये जो तुर्क थे, अमीर तुर्क थे, इन्होंने प्रतिरोध किया कि नहीं, हम युद्ध में इसको गद्दी पर नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाओगे भाई? क्योंकि यार हम है विशुद्ध है, हम में तुर्की रंग खून दौड़ रहा है, उन्हें जो दास है जो हम पर आकर शासन करेगा, इसलिए जो प्रतिरोध, जो अमीर तुर्की अमीर है, इनका उन्होंने प्रतिरोध किया। अर्थात सबसे मुख्य समस्या है जो ही गद्दी पर बैठ गया है, इन तुर्की अमीरों ने इनका प्रतिरोध करना स्वीकार कर दिया, करना शुरू कर दिया कि हम आपकी आपका अधिकार नहीं मानेंगे, आप हम पर राज करोगे। और इस तरह से उन्होंने अपनी समस्या का, अपनी समस्या के लिए हम इसका अधिकार नहीं देंगे। दूसरी बात ये ध्यान दो, जैसे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक था, ऐबक के तीन दास थे, मैंने बताया था यल्दोज, कुबाचा और ऐबक, सॉरी ये गोरी के थे, गोरी है मोहम्मद गोरी के तीन दास थे, यल्दोज, कुबाचा और ऐबक। ऐबक कहां पर बैठा था? दिल्ली में। कुबाचा कहां पर बैठा था? सिंध में। और यल्दोज कहां पर बैठा था? गजनी में। ये तीन जगह बैठे हुए थे। गोरी की मृत्यु होगी, मौर्य थे, एक अपने दिल्ली का अधिकार कर लिया, सिंध का कर लिया, इससे अगर कुबाचा का, अब कुबाचा ने है जो आक्रमण करना शुरू किया, तो ऐबक ने अपनी बहन कुबाचा के दादी और इल्तुतमिश को अपनी बेटी दादी, इस तरह से ये तो रिश्तेदार हो गए, यल्दोज हो गए, यल्दोज गजनी का रह गया। अब ऐबक की मृत्यु होते ही यल्दोज खड़ा हो गया कि भारत पर तो किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। और उसने क्या किया? अपने कुछ चिन्ह भिजवा दिए, अर्थात राज के चिन्ह भिजवा दिए उसको कि इसको यहाँ पर शासन कर रहा है दिल्ली पर, तो तू मेरा सेवक है, मेरा गुलाम है, इसे तू इसको चिन्ह ले। उसने राज के चिन्ह भेजे किसने? या दोस्त ने। राज के चिन्ह का मतलब होता है कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। ये तो उसने देखा कि लोग इस समय तो का अमीर मेरे विरुद्ध है, अगर मैं आक्रमण करूंगा, युद्ध करूंगा, तो शायद मैं हार जाऊंगा, तो इल्तुतमिश ने राज के चिन्हों को स्वीकार कर लिया। इस तरह से सबसे पहले जो तुर्क अमीर थे, जो ये यल्दोज था, उस यल्दोज की समस्या का समाधान किया, उससे कोई युद्ध नहीं लिया। उसके बाद में धीरे धीरे इन तुर्क अमीरों का एक तरह से कि इन तुर्क अमीरों ने क्या किया कि दिल्ली के आसपास अपनी सेना इकट्ठी कर ली, और अचानक अपनी सेना का इकट्ठा किया और उन पर अचानक आक्रमण कर दिया, और इन तुर्क अमीरों की कमर टूट गई, इनको मार डाला, कोई भी शरण नहीं आ गया। इस तरह से तुर्क अमीरों का प्रतिरोध हुआ, इनको मारने लगे। तो पहला समस्या क्या थी? तुर्क अमीरों की समस्या। एक और अगर दिखाती हूँ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक था गद्दी पर, तो जो बंगाल बिहार वाला क्षेत्र था, बंगाल बिहार वाला क्षेत्र, इसमें एक अली मर्दान खान था, अली मर्दान खान। इस अली मर्दान खान ने क्या किया कि गद्दी पर बैठा ऐबक की सहायता से, ऐबक की सहायता से गद्दी पर बैठ गया अली मर्दान खान। लेकिन ऐबक के मरते ही इसने अपने आप क्या कर दिया कि मैं तो स्वतंत्र शासक हूँ, अर्थात मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ऐसे जो तुर्क अमीर थे या कुछ स्थानीय सरकार थे, वो अपने आप में स्वतंत्र होने लगे। तो इल्तुतमिश ने बड़े धैर्य के साथ में इस समस्या का समाधान किया। दूसरा आता है भारतीयों, दूसरा ऐसे रहता है कि कैसे सेना का विश्वास न रखना, सेना का विश्वास प्राप्त करना, सेना का विश्वास प्राप्त करना। सेना का विश्वास कैसे प्राप्त किया विद्यार्थियों? जो अली इस्माइल था, कौन? अली इस्माइल, अली इस्माइल क्या था? सेनाध्यक्ष था। जब आराम शाह गद्दी पर बैठा था, तो इसी इस्माइल ने क्या, अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को बोला था कि आप आओ दिल्ली पर बैठो। लेकिन अब दोनों के बीच में क्या होगा? मनमुटाव हो गया। और जब मनमुटाव हो गया, तो इस अली इस्माइल ने क्या कर दिया? सेना का इस समय में विरोध कर दिया, अर्थात विरोध करना शुरू कर दिया। अब इल्तुतमिश ने सेना किसके देख थी? अली इस्माइल के। तो इल्तुतमिश को सेना का विश्वास प्राप्त करना था कि कैसे मैं सेना का विश्वास प्राप्त करूं और अली इस्माइल को हटाऊं। तो दूसरा कारण आता है सेना का विश्वास प्राप्त करना, क्योंकि सेना का अध्यक्ष था कौन? अली इस्माइल, जो इल्तुतमिश से विद्रोह कर चुका था। दूसरी समस्या ये आती है। तीसरी
किसके आप दिखाते हो? हिंदू सामंतों की समस्या, हिंदू सामंतों की समस्या, हिंदू सामंतों की समस्या क्या आती है? जो हमारे राजपूत राजा थे, जैसे बुंदेलखंड था, ग्वालियर था, राजस्थान था, ये अपने आप में स्वतंत्र होने लगे। ऐबक की मृत्यु के बाद में नाममात्र के उसका अधीनता स्वीकार कर रखी, अब ये स्वतंत्र होने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे, क्योंकि मानना कि वे हिंदू बिल्कुल कमजोर है, अयोग्य शासक है, तो हिंदू सामंतों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे धीरे धीरे वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इसकी समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये राजपूत राजा अपने आप में इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हिंदू अपनी सामंतों की सामंतों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और यह भी हिंदू का एक सर का दर्द बनने लगा। उसके बाद में आता है खोपरों की समस्या, खोपरों की समस्या। ये खोपरे को तो ध्यान दो, जैसे अपना ये है सिंधु वाला क्षेत्र, सिंधु वाले क्षेत्र में ये खोपरे रहते थे। ये होते देखो युद्ध प्रिय होते हैं, अर्थात युद्ध प्रिय जाते थे, कैसे खोपरे थे युद्ध प्रिय, इनको तो सिर्फ लड़ना काटना मारना आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। इसके पहले एक घटना और होगी विद्यार्थियों कि जैसे कि लगभग ये मध्य एशिया आता, ये है मध्य एशिया वाला भाग, और मध्य एशिया में विद्यार्थियों इस समय को शासन कर रहा था ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म साम्राज्य एक तरह से शासन कर रहा था, ख्वारिज्म साम्राज्य। और विद्यार्थियों इस ख्वारिज्म साम्राज्य पर किसका आक्रमण होता है? मंगोल आक्रमण होता है विद्यार्थियों, इतिहास में बहुत ही भयंकर आक्रमण है मंगोल आक्रमण। ये मंगोल में क्या होते विद्यार्थियों? जनजाति है मंगोल, ये प्राय युद्ध प्रिय होते हैं, इनको मारना काटना, जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखी ना, बाहुबली फर्स्ट में वो एक इन बाहुबली और उनके साथ युद्ध करता, वो एक राक्षस था, वो जानवर था, उसकी सेना से भीष्म होती है, क्या नाम था उसका, वो पूरी तरह से एक तरह से जानवरों से युद्ध लड़ता है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो बाहुबली फिल्म में है, तो आक्रमण कर रहे ना ऐसे कात के उसका नाम, तो ऐसे कात के उत्थान सेम ऐसे होती थी मंगोल से, इनको कोई मतलब नहीं, जिस आधार आक्रमण करते हैं पूरी तरह से ध्वस्त करते, उनको मार काट कर उनके नखरों को समाप्त करते हैं, उनकी बहन बेटियों पर टूट पड़ते हैं। सेम ऐसे ख्वारिज्म का साम्राज्य, ख्वारिज्म साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य विद्यार्थी हो, और सहाया का राजा था, लेकिन जो भी मंगोल आता है और इस समय मंगोलों का राजा कौन था? चंगेज खान, चंगेज खान या चंगेज खान, ये चंगेज खान है जो आक्रमण करता है और पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है विद्यार्थियों, ध्वस्त कर देता है इससे पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य को। ख्वारिज्म साम्राज्य का एक लड़का है, ख्वारिज्म साम्राज्य का सारू माना जाता है, और उसका लड़का है, उस लड़के का नाम है, उस ख्वारिज्म का नाम है जलालुद्दीन, इस ख्वारिज्म के उसका नाम है जलालुद्दीन, ये जलालुद्दीन मंगबरुनी, ये जलालुद्दीन मंगबरुनी है, चंगेज खान है मंगोल है जो ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हैं, इस ख्वारिज्म साम्राज्य का नाश कर देते हैं, जलालुद्दीन मंगबरुनी है जो भारत की तरफ आता है, तो चंगेज खान भी धीरे धीरे भारत की तरफ आने लग जाता है। अब जो ही आता है तो इल्तुतमिश के सामने आता है, अगर चंगेज खान भारत में प्रवेश कर जाता है तो पूरे भारत को हाहाकार पुकार कर देगा, इसलिए सबसे बड़ी समस्या थी श्रीमान समस्या, ये इसमें एक टॉपिक है। उस बाद में जो जलालुद्दीन मंगबरुनी है, तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश से सहायता मांगी, इल्तुतमिश से सहायता मांगी, और इल्तुतमिश ने इसको बड़े प्यार से मना कर दिया, कुछ बहाना बना दिया, तो जलालुद्दीन मंगबरुनी क्या कर दिया, इन खोखरों से संधि कर ली, जो खोखरे थे ना इन खोखरों से क्या कर ली, संधि कर ली, अगर आप मुझे सहायता दो मैं चंगेज खान को हराऊंगा, उसके बाद में भारत का साम्राज्य आपको मिल जाएगा, इन खोखरों से कर ली। और खोखरे प्राय करते हैं युद्ध प्रिय होते हैं, तो इस तरह से खोखरों की समस्या होगी। पांचवी समस्या होती है सीमांत समस्या। ये सीमांत समस्या होगी विद्यार्थियों, जो मैंने अभी बताया था कि ख्वारिज्म का साम्राज्य पूर्व तहस नहस करते किसने, चंगेज खान ने, और ये जलालुद्दीन मंगबरुनी भारत की तरफ भाग आया, तो चंगेज खान भी जलालुद्दीन की तरफ आता धीरे धीरे, तो जब चंगेज खान तो एक विशाल सेना आती है, तो इस तरह से इसका सीमांत सुरक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था और इसमें असमर्थ था।
तो ये सीमांत समस्या इसकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या निकल कर आती है। एक आता है और अंत में आता है एक दुर्बल राजाधिकार, दुर्बल राजाधिकार, दुर्बल राजाधिकार क्या होगा कि अगर एक तो बने कोई राजा ही बने और एक कोई नौकरी राजा बने, तो जो इल्तुतमिश है एक तरह से क्या था, दास था, और जब दास राजा बन रहा है तो उसका हर कोई रही है, तो दास से कब तक तो हमारे पैरों की ज्योति था और आज हमारे ऊपर राजा बनेगा, तो एक तरह से दुर्बल राजाधिकार था, अर्थात उस इल्तुतमिश को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। तो विद्यार्थी पांच छह समस्याएं हैं जो जब शासनकर्ता गद्दी पर बैठते हैं उसके सामने समस्याएं निकल के आती हैं, लेकिन धीरे धीरे है इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान किया और भारत पर तुर्क साम्राज्य की एक तरह से व्यस्त तरह से स्थापना कर दी और लंबे समय तक शासक बनता है। 1211 युद्ध से लेकर 1236 युद्ध तक इल्तुतमिश भारत की गद्दी पर विद्यमान था और एक सुव्यवस्थित तरीके से इस राज्य को चलाता है। तो है तुर्क अमीरों का प्रतिरोध, सबसे पहले कि जो तुर्क अमीर है वो भी इनका प्रतिरोध करने लगे कि हम एक दास की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, दास की गुलाम नहीं बनेंगे, दास को बड़ा राजा नहीं बनने देंगे। दूसरा है सेना का विश्वास प्राप्त करना, जो अली मरदान या अली इस्माइल था, पहले इनवाइट करने वाला राजा बनाने वाला कौन था, अली इस्माइल था, लेकिन अब अली इस्माइल से संधि तोड़ देता है, तो सेना का विश्वास प्राप्त करना चाहता कि किसी तरह मैं सेना को विश्वास प्राप्त करूं और इनका एक तरह से विरोध करूं, ये इनका दमन करूं। हिंदू सामंत की बढ़ती शक्ति जब केंद्र कमजोर होगा तो विद्यार्थी स्थानीय शासन अपने आप में स्वतंत्र होने लगे और हिंदू राजा थे राजपूत राजा थे अपने आप में धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। इस समय खोखरों की समस्या जो खोखरे थे लगभग पंजाब और सिंध पंजाब और क्षेत्र में युद्ध प्राय जाते थे और इन्होंने क्या कर दिया था, इन खोखरों ने युद्ध करना एक तरह से अपने आप में संबंध होने लगे, उन्होंने अपनी शक्ति को समर्थित किया और जैसे जो जलाउद्दीन को मंगोलिया रहता है इससे संधि कर लेते हैं। इसके बाद सीमा सुरक्षा चंगेज खान एक भयंकर जो बात के था ना सिंधु इसमें कटप वाली बाहुबली में, तो वो काट के था एक तरह से राक्षस था, उसकी सेना में जो कैसे वो जानवर थे पूरी तरह से वो हथियार ले रखे थे जैसे सेम थे वैसे के वैसे विद्यार्थी हो ये मंगोल, और मंगोल कहाँ से आए थे विद्यार्थी हो चाइना से आए थे, और जो चंगेज खान था बहुत ही भयंकर था विद्यार्थी हो, एक छोटी हाइट का था चंगेज खान लेकिन बहुत ही व्यापक स्तर का था। तो चंगेज खान एक तरह से जानवर थे, उन्होंने खारिज जैसे विशाल साम्राज्य को एक तरह से ध्वस्त कर दिया, तो भारत उनके सामने था ही क्या। उसके बाद जलाउद्दीन मंगोल ने भारत की तरफ आता है और चंगेज खान भी धीरे धीरे भारत की तरफ आने लग जाता है, और चंगेज खान आकर खोखरों से संधि करता है कि आप मुझे सहायता करो, अगर मैं मंगोल चंगेज खान को जीता हूँ तो भारत का साम्राज्य आपको दे जाएगा। इससे पहले क्या था कि खारिजन का शाह है जो भारत को अपने अधीन समझता था। उसके बाद में सीमांत समस्या, सीमांत की जब इल्तुतमिश को मालूम पड़ा कि चंगेज खान भारत में आ रहा है तो इल्तुतमिश का वैसे ही हालत खराब हो गई, चंगेज खान का सामना कोई नहीं कर सकता, अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत की सारी कमर टूट जाएगी, अर्थव्यवस्था तैसे जाएंगे, मुस्लिम साम्राज्य कभी भी नहीं बन पाएगा, और अंत में आता है दुर्बल राजाधिकार, अर्थात इनका जो राजाधिकार था वो दुर्बल था। विद्यार्थियों एक दास को राजा बनाया तो कोई भी व्यक्ति उनको राजा मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये तो यार दास है, दास को हम राजा नहीं मानेंगे, तो इस दास को राजा कोई नहीं मान पाया, और यही कारण है कि इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्या इनका है इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं, प्रारंभिक समस्याएं ये विद्यार्थियों इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करता है, समाधान पढ़ेंगे हम विद्यार्थियों।